रामनगरी अयोध्या में सत्य साई दाता आश्रम अन्नकूट महोत्सव पर भंडारे का आयोजन। सत्य साई आश्रम कोरखाना जनौरा बाईपास पर सत्य साई दाता का लगा भोग अन्नकूट महोत्सव विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालुओं का होता है जमावड़ा। कई जिले से भक्त आकर करते हैं प्रसाद ग्रहण। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है साई दाता आश्रम का यह पर्व। कई सौ वर्षों से इसी दिन होता है भंडारे का आयोजन। 23 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस नेता का नाम चर्चा का केंद्र बन गया, जब लखनऊ पुलिस ने आलू मियां को रंगदारी मांगने जमीन पर कब्जा और धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बीजेपी के उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल से आलू मियां का फोटो राहुल और प्रियंका के साथ शेयर कर गांधी परिवार का करीबी बताने के साथ बीजेपी ने आलू मियां को भूख माफिया, रंगदारी मांगने व जलसाजी के आरोपी के तौर पर लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। दो दिन पहले जेल से छूटे आलू मियां ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति बलद्रीय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने असौली विधानसभा क्षेत्र में बाबा जंगलीनाथ महादेव धाम, वलीपुर में रुद्राभिषेक किया। केदारनाथ में मूर्ति के अनावरण के खास मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी ऑनलाइन रहकर पूजन अर्चन में तल्लीन रहे। पूजन अर्चन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अमेठी में एक बार फिर लगे स्मृति के खिलाफ पोस्टर। महंगाई पर प्रदर्शन करने वाली सांसद स्मृति रानी से अमेठी के लोग पोस्टर लगाकर उनसे पूछ रहे हैं कि 13 रुपए चीनी कब मिलेगी। मुसाफिरखाना नगर में लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर लोकसभा चुनाव में स्मृति ने अमेठी वासियों से वादा किया था कि कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी पाओ। सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्पीड़न किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राथमिक विद्यालय गानापुर से जुड़ा बताया जा रहा है यह मामला। सहायक अध्यापक अरविंद कुमार मौर्य ने एबीएस से जगदीश यादव पर द्वेष भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सहायक अध्यापक के आरोपों के बाद बेसिक शिक्षा महकमे में भूचाल सा आ गया है। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा अधिकारी बोले, जाँच उपरांत वैधिक कार्यवाही की जाएगी। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का घर के अंदर मिला शव, महिला की गला रेंधकर की गई थी हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं इस निर्मम हत्या से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल मौजूद। गांव में तनाव का बन रहा है माहौल। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देवकाली गाँव का मामला। अमेठी में नियम तोड़ बंद रेलवे फाटकों के नीचे गुजर रहे लोग। रेलवे के बंद फाटक के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों पर शिकंजा कसने के बावजूद रेलवे के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। रेलवे यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है, परंतु इसमें आम जनता कितना सहयोग देती है, इसकी मिसाल अमेठी के वारिसगंज रेलवे कासेग्र पर देखी जा सकती है। अमेठी की थाना मुंशीगंज पुलिस का सहरे ने कार्य। नशा मुक्ति अमेठी अभियान के अंतर्गत 1 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। बाजार शुक्ला थाना पुलिस ने 12,000 का इनामी अभियुक्त को एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी में सरकार के आदेश का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने भले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर जनता को राहत देने की बात कह रही है, साथ ही सत्ताधारी पार्टी के कई नेता इसे दीपावली पर आम जनमानस को सरकार द्वारा दिए गए तोहफे के रूप में बनाने में जुटे हैं। लेकिन जगदीशपुर के आनंद नगर स्थित एच और फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आज भी 102 प्रति लीटर पुराने रेट पर बिक रहा है, जहां लगातार ग्राहकों की जेब पर पेट्रोल पंप द्वारा डाका डलवाया जा रहा है। पेट्रोल यहां पे कितने रुपए में है आज? 102 रुपए 14 पैसे। डीजल 11 रुपए। सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं, अन्य टंकियों में 95 रुपए कुछ पैसे में है, यहाँ पे 102 होने का क्या कारण है? अमेठी में घर के बाहर बैठे अजगर को देखकर ग्रामीणों के उड़े होश। सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने दूसरे गांव से सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट बुलाकर अजगर को पकड़वाया। एक्सपर्ट ने अजगर को पकड़कर बोरे में भरकर किया बंद, तब जाकर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक्सचेंज के पीछे स्थित राम थानापुर बड़ा गाँव का है मामला।
अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग और अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधन में श्री दुर्गा नाटक मंडली जम्मू कश्मीर के कलाकारों द्वारा रामायण का संजीव मंचन किया गया। श्री राम जन्म से लेकर रावण वध का दो दिवसीय मंचन में सजीव प्रस्तुति की गई। इसमें सम्मिलित सभी कलाकार जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने भाग लिया। 130 वर्षों से जम्मू कश्मीर के रियासी कटरा में मंचन किया जा रहा है। रामलीला की सजीव प्रस्तुति को हजारों दर्शकों ने देखा और आनंद लिया। अयोध्या में दबंग चौकी इंचार्ज ने महिलाओं संघ की बदसलूकी। त्योहार में अधिकारियों का खर्च बताकर जबरन वसूली का भी आरोप। पहले किसी महेश नामक क्षेत्रीय युवक को भेज दरोगा ने मंगाई थी रकम। स्थानियों के मना करने के मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी राजेश यादव व दो सिपाहियों ने की बदसलूकी। दोनों सिपाही व महेश पर जाति सूचक शब्दों में गालियां भी देने का आरोप। पहले भी दरोगा राजेश यादव पर लग चुके हैं वसूली को लेकर गंभीर आरोप। दबंग दरोगा ने करीब आधा दर्जन लोगों को जबरन चौकी में बैठाया। आक्रोशित क्षेत्र जनों के चौकी घेराव के बाद दरोगा ने भी सभी को छोड़ा। त्योहार के दिन पुलिस के खौफ में स्थानीय लोगों ने घर छोड़ा। मामले से संबंधित पुलिस अफसर नहीं दे पा रहे हैं मीडिया को माकूल जवाब। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज स्थित खीर गली का। अमेठी के जायस में मंदिर पर बैठने और पटाखा दगाने को लेकर दो पक्ष भिड़े। दलित पक्ष ने लगाया ब्राह्मण पक्ष पर पूजा से रोकने का आरोप। ब्राह्मण पक्ष ने बताया कि हमारे घर के सामने पटाखे दगाने का रोका गया है, मंदिर जाने से नहीं। थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्रा ने उप निरीक्षक माधवराव से कराई जाँच। दोनों पर हो रही है कार्रवाई। अयोध्या में आलना भारी व बिलहर घाट के बीच बड़ा हादसा। रेल क्रॉसिंग पर पार करते समय एक ही परिवार के पति पत्नी व बच्चे समेत चार की मौत। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद सहमे ग्रामीण। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर इंजन की चपेट में बाइक आ जाने से हुआ हादसा। अमेठी में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना संग्रामपुर के ग्राम सरायकनू में आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए लगभग 300 किलोग्राम लहन महुआ मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में स्थानीय थाना में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज